हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन रिक्रूटमेंट कल के आ रहा है IOCL की तरफ से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसीज है। डिटेल से डिस्कस करेंगे किस बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है, क्या जॉब क्राइटेरिया है, सब कुछ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो। तो ध्यान से देखना ये वीडियो पूरी, ठीक है। देखो स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, वैसे मैं अपने हिसाब से पूरी स्पीड इंक्रीज करके ही बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन अपनी सहूलियत के अनुसार 2.2 पे देख लेना, 1.5 पे देख लेना, जो भी आपका हो। वैसे मैं बहुत तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूं ऑलरेडी। अगर देखो किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्त जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि YouTube पे ये पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिए जा सके। इंपॉर्टेंट मैं प्रोवाइड कर देता हूं, लेकिन कुछ फिर भी रह जाते हैं, तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। देखो परमानेंट जॉब होने वाली है और जूनियर इंजीनियर आपकी पोस्ट डेजिग्नेशन है, सैलरी आपको 78,000 तक मिलने वाली है, तो बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, परमानेंट जॉब है, कोई भी इसमें लूप होल नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर पेपर होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा और पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूं, ये सब चीज बाद में भी बताता रहूंगा मैं। देखो दोस्त अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो ही आप इसमें एलिजिबल हो, बीई बीटेक आईटीआई वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। तो जो भी मेरे दोस्त भाई बहन हो डिप्लोमा से वो ही इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, रिमेनिंग आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। चलो मैं बताता हूं आगे क्या क्या होने वाला है। देखो लास्ट डेट इसमें आपकी होने वाली है 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर से पहले जरूर से फॉर्म फिल कर लेना, और 12 सितंबर आपकी स्टार्टिंग डेट है, तो स्टार्टिंग डेट 12 सितंबर यानी कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्टली जाके वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हर स्टेट से किसी से भी बिलोंग करते हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर इसी स्टेट की होनी चाहिए। ऑल ओवर इंडिया से एंटायर इंडियन कैंडिडेट कैन फिल दिस फॉर्म, ठीक है। तो ये यहां पे वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, आप देख सकते हो यहां पे ये बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, 56 वैकेंसीज है टोटल आपकी, ठीक है। और आपको देखो एलिजिबिलिटी के बारे में पहले भी बता चुका हूं, कौन सी ब्रांच एलिजिबल है ये बताता हूं मैं। देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और आपकी टेली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और ऑपरेशन में केमिकल मैकेनिकल एलिजिबल है, उसके बाद में फिर टेक्निकल अटेंडेंट में आपकी आईटीआई वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। स्टार्टिंग में आईटीआई वालों को शायद मना कर दिया था, तो आईटीआई वाले भी एलिजिबल है, उनकी अलग से वैकेंसी है, ठीक है। तो टोटल यही पूरा आपका लिख रखा है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फिटर, ये सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। तो देखो दोस्त आईटीआई वाले एलिजिबल है, स्टार्टिंग में गलती से बोल गया था, तो पूरा आप देखो पूरा एंड तक देख के जाया करिए जो भी एलिजिबल है, क्योंकि कभी कभी मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल जाता हूं। तो अब देखो यहां पे पूरा मैं बताता हूं, एज क्राइटेरिया भी दे रखा है। देखो 26 एज ईयर होनी चाहिए आपकी, जो अनरिजर्वड ओबीसी में अनरिजर्वड उसमें ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट है उनकी 26 ईयर होनी चाहिए। फिर ओबीसी और आपके एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 3 साल और 5 साल रिस्पेक्टिवली आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बताया इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल में आपकी मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ब्रांच होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ई एंड टी एंड आई में टेली कम्युनिकेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो जाएगी। ये सब वाले सब डिप्लोमा वाले हैं, बीटेक वाले नहीं है, और ठीक है आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए अलग से आपकी टेक्निकल अटेंडेंट की वैकेंसीज आउट हुई हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं वो भी ले जाएंगे इसमें। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ एज की, जो भी एज काउंट होगी आपकी 12/9/2022 से सारी एज काउंट होगी, ठीक है। तो 12/9 से अगर आप 26 साल के हो रहे हो वहां तक तो ही आप एलिजिबल हो, 26 साल के अगर ऊपर निकल के जा रहे हो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो 100 रुपये होने वाले हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, 0 फीस होने वाली है आपकी, ठीक है दोस्त। तो ये हो जाता है, और रिलैक्सेशन वगैरह सब 12/9/2022 से ही देखा जाएगा। सिलेक्शन मेथडोलॉजी में बता देता हूं, देखो रिटन टेस्ट होगा आपका और स्किल टेस्ट होगा या फिर फिजिकल टेस्ट बोल सकते हो, ये होने वाला है आपका, ठीक है। और जो एग्जाम होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। देखो रिटन टेस्ट सेल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, जो एमसीक्यू टाइप का होगा, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, 1 करेक्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे रिटन एग्जाम में और 100 मार्क्स के ही होंगे, ठीक है। और पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो 75 आपके टेक्निकल से रिलेटेड होंगे, 25 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, ऐसे होने वाले। और जो आईटीआई वाले कैंडिडेट है उनके लिए 75 क्वेश्चन उनकी टेक्निकल डिसिप्लिन जो भी होगी, और 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके अलावा जो आपका स्किल टेस्ट लिख रखा है उसमें देखो आपको स्किल टेस्ट रखा जाएगा। मैं देखो आपको आगे बताता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको 12 सितंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आपके 10 अक्टूबर तक आपकी ये लास्ट डेट होने वाली है। तो मेक श्योर दैट उससे पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर से फिल कर देना, ठीक है। देखो यार बैकग्राउंड का जो साउंड है उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, तो ये सब हो जाता है, ठीक है। अब और आगे मैं आपको बताऊँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में ही बता देता हूँ, जो कि इन्होंने मेंशन कर रखी है। सबसे नीचे आप आओगे, देखो ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसकी लिंक, और मैं अलग से भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी जो होने वाली है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपकी 12/9 को आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे, 10 अक्टूबर को आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एंड हो जाएंगे। तो मेक श्योर दैट आप उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर देना दोस्त, जिससे कि आपका कोई भी ऐसा ना हो कि भाई आपका फॉर्म निकल जाए और भर ना पाओ, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन डेट होने वाली है बहुत जल्दी रखी है इन्होंने, 27 को आपके एडमिट कार्ड आउट हो जाएंगे और आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो रिटन टेस्ट की आपकी टेंटेटिव डेट है वो 6 नवंबर है, बहुत ज़्यादा जल्दी है आपका एग्जाम, तो इसी वजह से भाई साहब आप प्रिपेयर करके रहना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी जाके पूछ सकते हो।
तो उसमें कोई दो राय नहीं होने वाली, ठीक है। तो वैसे कोई डाउट आएगा नहीं आपको, अगर आए इन केस तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, ठीक है। दोस्त जल्दी से जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, लास्ट डेट का रश में मत रहना, 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, और उसी के तुरंत बाद आपके आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में ही आपके 10 अक्टूबर को ही आपके जो है एडमिट कार्ड 27 अक्टूबर को रिलीज हो जाएंगे और 6 नवंबर को आपका पेपर कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।